तो दोस्तों आज ही हमारे पास CRD 100 LML वालों की, तो गाड़ी कंपनी ने तो कर दी इस गाड़ी को बंद, क्योंकि ये फ्रीडम आई थी उसके बाद इन्होंने वाली गाड़ी निकाली थी अपनी 100 CC में। तो गाड़ी थी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने भी तो काफ़ी खिंचाई थी गाड़ी, मेरे पास थी पहले करीबन 7-8 साल पहले, अब तो ये हमारे पास सही होने के लिए आई है गाड़ी। तो इस गाड़ी का जो है अब हो गया इस गाड़ी का इंजन सीज, तो हम आपको किक मार के दिखाते हैं इस गाड़ी का मारना, तो इसकी ये हमारी गाड़ी की किक नहीं लग रही, ये किक हो गई इसकी जाम। बस जब खोलो इतने तुम, तो इसकी किक जाम होने का मतलब कोई सी भी गाड़ी हो, मतलब कि ये नहीं कि CRD 100 ही हो, तो ये नहीं कि यार किक जाम हो तो गाड़ी का ज़रूरी नहीं कि इंजन ही सीज हुआ हो। तो टाइमिंग चेन अगर मान के चलो गाड़ी की उतर जाती है तो भी इंजन सीज हो जाता है, मतलब किक नहीं लगने की आप सीज बोल सकते हैं किक नहीं। वाल गाड़ी के टेढ़े हो जाते हैं तो भी हमारी किक नहीं लग पाती है गाड़ी की, और पिस्टन सीज हो गया तो फिर तो इंजन सीज हो जाता है पिस्टन सीज होने के बाद। तो इसमें जो है वैसे LML की जो गाड़ी थी, फ्रीडम थी या ये CRD 100, इन गाड़ियों में सबसे दिक्कत रही है वो रही है टाइमिंग चेन की दिक्कत। इनकी टाइमिंग चेन एक तो सामान थोड़ा सा ओरिजिनल मिल नहीं पाता है इन गाड़ियों का, और मिल नहीं पाता है इसलिए इसमें टाइमिंग चेन सप्लाई की आती है ज़्यादातर वही डलती है। तो इसमें क्या होता है टाइमिंग चेन इनकी बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये लूज़ होने के बाद क्या होता है ये टाइमिंग चेन उतर जाती है, किक जाम हो जाती है। तो और दूसरी बात ये कभी कभी होता है जैसे टाइमिंग चेन उतरी है, टाइमिंग आउट हुआ, तो गाड़ी के हो जाते हैं वाल टेढ़े, वाल टेढ़े होने के बाद भी गाड़ी की फिर इंजन किक नहीं लगती तो बोल देते हैं अभी इसका इंजन चीज हो गया। तो हम इसे गाड़ी को खोलते हैं, खोल कर आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में टाइमिंग चेन या वाल, ये दो ही कमी निकलेंगी वैसे तो, और बाकी हो सकता है इंजन भी चीज हो गया हो तो कह नहीं सकते, खुलने के बाद ही पता लगेगा। और बाकी देख सकते हैं सारी स्टैंड अभी तक किसी गाड़ी ने नहीं दिया, इन्होंने सारी स्टैंड में दिया है, जब तक हम इसका सारी स्टैंड ओपन नहीं करते इस गाड़ी इन गाड़ियों का फ्रीडम हुई या ये हुई है तरम जी गेयर नहीं डलते गाड़ी गेयर ही नहीं डलता। इसमें ये लॉक सिस्टम दिया, ये यहाँ यहाँ देख सकते हैं आप ये गेयर लीवर पर, यहाँ ये सारी स्टैंड अपना लॉक हो जाता, अब इसमें गेयर डालेंगे डलने का ही नहीं है जब तक हम सारी स्टैंड इसको ओपन नहीं करते। तो काफ़ी अच्छा फीचर था इस गाड़ी के अंदर, ये अब गाड़ी के गेयर डल जाएंगे जब तक हम सारी स्टैंड ओपन नहीं करेंगे गाड़ी के गेयर नहीं डलते। अक्सर ऐसा होता है कि जी गाड़ी गेयर में खड़ी है किक मार देते हैं, सेलो मार देते हैं, एकदम गाड़ी चल देती है, या क्या जी सारी स्टैंड पे लगी रहती है गाड़ी, हम उठाई और गाड़ी चल देते हैं, उससे एक्सीडेंट के भी काफ़ी चांस रहते हैं। तो इस गाड़ी में ये खास बात है कि जब तक आप सारी स्टैंड ओपन नहीं करेंगे तो गाड़ी का गेयर नहीं डलेंगे। बाकी एवरेज की बात करें हम इसका, तो मान के चलो उस टाइम जब मैंने गाड़ी चलाई थी उस टाइम भी 70 का एवरेज दे रही थी गाड़ी। खोलो इसका, ये खोलो थोड़ा गाड़ी को, इसे खोलो मैगनेट को, तो माइलेज भी इस गाड़ी का बहुत प्यारा है, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, मतलब गाड़ी का गाड़ी तो बहुत बढ़िया थी है, पर कंपनी ने बंद कर दी किसी वजह से चल नहीं पाई, कुछ कमी रही गाड़ी में या कुछ जेती भी थी बात। तो पहले हम इसकी टॉप प्लेट खोल के देख लेते हैं, टाइमिंग चेन चेक कर लेते हैं, बाकी इसमें इंजन में भी कोई खास बात नहीं है, बाकी क्लच है इसके क्लच प्लेट वगैरह आप नहीं मिलती है गाड़ी, तो स्प्लेंडर की डाल सकते हैं, स्प्लेंडर इसकी सेम ही होती है क्लच प्लेटें, टाइमिंग चेन इसकी अलग दी है, वाल्व अलग दिए हैं, बाकी इंजन बहुत बढ़िया है गाड़ी का। बाकी हम आपको दिखाते हैं फास्ट फॉरवर्ड में इसमें गाड़ी में क्या हुआ था, आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाँ हाँ निकाली सर। तो दोस्तों की जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये
टाइमिंग चेन कर इसका हिस्सा खोल लिया, पर इसकी जो है टाइमिंग चेन गाड़ी की, हमारी गाड़ी की टाइमिंग चेन इसकी ठीक है बिल्कुल, टाइमिंग चेन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका हेड खोल के देखते हैं, बालों में दिक्कत है इसका पिस्टन चीज हुआ, तो धीरे जैसे हम खोलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। टाइमिंग चेन गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, टाइमिंग चेन की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बाल या पिस्टन दो चीज़ हैं जो गाड़ी की हमारी ख़राब निकलेंगी, तो खोल के आपको बताते हैं वीडियो में क्या चीज़ की खराब है।